ब्लॉग गाइस, ये ब्लॉग के मैं शर्माती, इसीलिए देखिए अंदर में चली गई भाई, बेड के अंदर में चली गई। मानसी रेखा थी, बाहर निकल। मानसी मिठाई खाओगी का है? मानसी खुद में आता है। ये क्या बोलती है भाई? मीठी इसका इसका उल्टा बोलती है, ये पागल है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, भगवान की कृपा से आप और हम हमेशा खुश और अच्छे रहे। तो आज है गाइस संडे, कल एग्जाम मेरा खत्म हो गया तो मेरा दिल खुश है, और आज संडे गाइस और मैं हो गया हूँ नहा सुना के रेडी, पूजा पाठ कर लिया हमेशा की तरह, और विपाशा जा रही है गाइस मम्मी के साथ मौसी घर, और मिट्टी है घर पे और हम है घर पे और दादाजी भी घर पे है, तो विपाशा जा रही है। गाइस ये रही विपाशा जो कि मास्क वाक्स और कपड़ा पहनकर रेडी हो गई है जाने के लिए मौसी घर, और मिठाई भी है वहाँ, ये रहा पन्नी में। विवासा हम लोग के लिए छोड़ दी हो क्या मिठाई? पता नहीं, हमने ही निकाली, मम्मी निकाली शायद है, एक डब्बा फ्रिज में, देखते हैं। ब्लॉग गाइस, ये ब्लॉग के मैं शर्माती, इसीलिए देखिए अंदर में चली गई भाई, बेड के अंदर में चली गई। मानसी रेखा थी, बाहर निकल, निकलो नहीं तो हम लोग ऊपर से कूदेंगे, पलंग टूटा ही और टूट जाएगा, मर जाओगी, बाहर निकलो जल्दी। मानसी बाहर निकलो। गाइस ये पागल लड़की निकल ही नहीं रही, क्या पता इसको क्या हो गया। अरे निकलो ना बाहर, वो सनकाही है, इसी के वजह से ढले ले, सनकाही है, जल्दी निकल। कैसे निकल रही है देखिए, चलने का स्टाइल लगेगा माथा में ना, फिर पता चलेगा चोट। निकल गाइस, फाइनली निकल गई है, और ये इतना हंसती है ना भाई, क्या पता इसको क्या होते रहता है, दौड़ा उड़ा चढ़ते रहता है। देखा थी इधर देखो, हाई करो तो पहले, हाँ चलो। अरे ये क्या कर रही है भाई साहब, मिट्टी कैसा है रिएक्शन इसका, भाई भयानक वाला रिएक्शन इसका, बहुत मस्त। इसके लिए लाइक कर दीजिएगा इसके रिएक्शन के लिए। और तो गाइज इसका चुड़ैल जैसा चेहरा लग रहा था मानसी का, तो अभी धोकर आ गई है और अभी भी पागल जैसे कर रही है भाई साहब। रही मानसी, मानसी मिट्टी के बारे में कुछ बताना चाह रही हो, वो कितना खाती है? 10 किलो एक दिन। भाई 10 किलो 55 किलो 55 किलो का स्पेलिंग बोलो मैं उसके पास। 55 किलो कितना होता है मानसी? मानसी 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 55 किलो कितना होता है ना पता? 55 किलो या 5 क्विंटल खाती है? 55 किलो तुम इसके कुत्ता के जैसे काहे लिपटी हो इसे? भाई तो मेरी मनी डॉग है, डॉग है नहीं, डॉग ये कुत्ती है। इस बिचारी को हिंदी बोलने नहीं आता है तो मतलब कुछ से कुछ बोल। किसी को इंग्लिश नहीं आता, हम लोग इंग्लिश के लिए तरसते हैं, हिंदी के लिए अभी तक तरस रहे, हमको तो विश्वास नहीं होता। मानसी तुमको हिंदी आता है? अच्छा बोलो तो कुछ। आता ही नहीं है इसको। और बेड, अच्छा छोड़ो वो सब छोड़ो, बेड के अंदर क्यों गई थी बताओ? मूसा नहीं रे, चूहा रे गदी, चूहा। अच्छा ये क्या लिख रही हो बताओ? दिल। दिल तुम्हारे पास है? मानसी मिठाई खाओगी का है? मानसी खुद में आता है। ये क्या बोलती है भाई मिठी, इसका इसका उल्टा बोलती है, ये पागल है। मानसी पागल हो मिठी को रोस्ट कर रही है भाई, ये मिठी को रोस्ट कर रही है। हम इसे नहीं मुंह लगाएंगे, मुंह ना लगाओ भाई, इसको हटा देते हैं भाई। सबसे पहले मिठी खोल रही है मिठाई का डब्बा, में से मिठाई खा रही है हम लोग से भी पहले, तो मानसी मानसी तुम सही बोल रही थी, खाने में बहुत ही तेज है ना? पता है, भैंसी है, भैंसी। मिठी कुछ बोलना चाह रही है? इसको नहीं ना देते, इसी की वजह से बोल रही है। हम कलर नहीं है, देख रहे हो, पता है तुमको, चार को मिठाई खाती है एक दिन में, ये हम रख रहे हैं, ये खाएंगे समझी, मतलब ये कितना है ये ना, तो कितना सारा भाई साहब, इतना खा लेगी ना मानसी? ये भैंसी को लस्सा नहीं ना देते। तो गाइस हम भी यहाँ पे मिठाई ले लिए हैं, चार ठो है व्हाइट वाला, तो गाइस खाते मिठाई, मिट्टी भी खा रही है तो हम भी क्यों पीछे हटे, तो खाते है गाइस मिठाई। बिचारी को कोई नहीं दिया, हाँ कितना दया आ रहा है हमको इस पे। भाई खाओगी? खाओगी बोलो ना, ना। का है? अच्छा।
हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो गाइज अभी शाम के 4 बज रहे और मम्मी और बिपाशा आ गए मौसी से मिलकर। और गाइज अभी बिपाशा बिचारी को आते हुए काम मिल गया घर बाहरने का, तो वो घर बाहर रही है, चलिए आपको मिलाते हैं। और अभी अपना इवनिंग टी बन रहा है तो बना रही है मम्मी, और बिपाशा से मिलाते हैं आपको। ये रही बिचारी काम कर रही है घर बाहर ही। कैसा लग रहा है आते ही काम, नया काम? और क्या चाहिए जिंदगी में? क्या चाहिए, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ कभी। आए हाँ। काम पर गया, स्कूल से आए तो खाना में कुछ बनाना पड़ रहा, चावल बनाना पड़ा, हमको ही बनाना पड़ रहा। जब खत्म होता है तब ना, डेली थोड़ी बनाती हो? हाँ, तो कभी कभी नया वर्क दे दी है इसको मीठी। ये रेगुलर वर्क है? रेगुलर वर्क, ओ रेगुलर इसकी, इसी का है ना। हाँ। पर सुबह को ये तो स्कूल हाँ सही बात। कौन सा इनकम? हाँ बिल्कुल सही बात। क्या बन रहा अपना चाय इवनिंग टी? तो गाइज अभी हम लोग का चाय आ गया है इवनिंग टी, ये रहा अपना गरम गरम चाय, तो पीते आज हम नहीं बनाए। झूठ, उसका इवनिंग टी बोलता है, ये इसको चाय बोलते हैं। अच्छा चलो शाम का चाय, ये रहा ठीक, ये ठीक है। ओ भाई लड़की लोग तो यही है, आईने में ही देखेगी, देखिए यहाँ पे आईना में देख रही थी। तो गाइस पीते अपना इवनिंग टी, और बिपाशा बिचारी और इसका झगड़ा होते ही रहता है, और वो बेचारी आते ही घर बहारने लगी। भाई उसको एक नया काम मिल गया, नया क्या, वो तो डेली करती ही है। गाइस जैसे ये आई थी और मिठाई था ना फ्रिज में, तो ये खाने के तलाश में उसमें से एक निकाली भी। कितना निकाली? 5। भाई साहब दो खा भी ली? भाई साहब। और मौसी, अच्छा मौसी यहाँ क्या क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बोर होके बैठे थे, मम्मी और मौसी उधर बात कर रही थी, उसका बात कर रही थी, पता नहीं किसका किसका बात कर रही थी। सही में गाइस लेडीज सब या बहन सब या कोई भी लेडीज बात करे तो बहुत दूर दूर का रिलेशन में जाएगा। अब भी आई है, दूर दूर के रिलेशन में बात चला जाएगा। वो ऐसे करता है, वो ऐसे, ये होते रहता है। तो गाइस अभी भी पासा ले आई है दुकान से ये सूप, जो कि कल भी बनाई थी, कल टमाटो सूप था तो खराब हो गया, आज वेजिटेबल वाला है, देखते हैं कैसा होता है। और ये रही सूप बनाने के लिए रेडी। तो तुम्हारा बुखार नहीं उतरा सूप पीने का? नहीं। अरे यार आज भी खराब हो गया तो क्या होगा, कल तो बेकार बना था टमाटर वाला, आज देखते हैं वेजिटेबल वाला कैसा बनता है। तो यही बनाएगी, तो चलिए देखते हैं अच्छा बने, आई होप। मेरा तो गाइस हमको मैगी वाला ही ठीक लगता है। आज ये खराब बन गया तो कल मैगी वाला बनाएंगे, देखते हैं कैसा है, आज बनेगा आपको भी दिखाएंगे कैसा बनता है, कल तो बेकार बन गया था। और यही है, तो चलिए चलते हैं। हमको तो गाइस पैकेट वाले से अच्छा घर पे बनाओ वेजिटेबल सब मिक्स कर कर वो, या तो मैगी वाला सबसे सस्ता, मैगी भी खाओ और सूप भी पियो। तो चलिए देखते हैं, कल की तरह पहले पानी को उबलना होगा, तो पानी अभी उबल रहा है। गाइस जो दोपहर में आई थी, जो हंसी दिलाती है फनी लड़की मानसी, दिल किधर है? दिल अभी शर्मा रही है, तो यहाँ पे बिपाशा डाल रही है सूप, डालो, वाइट वाइट पाउडर लग रहा है। बिपाशा बिपाशा ये मेकअप वाला है तुम्हारा, मानसी तुम करोगी मेकअप वो पाउडर से? मानसी करोगी क्यों? तो गाइस देखिए अभी कुछ ऐसा कलर आ गया, पहले तो ये मसाला सब फूलेगा गर्म पानी में, उसके बाद कुछ अलग कलर आएगा। पहले घुमाओ इसको चम्मच से घुमाओ। गाइस देखिए अभी सूप के अंदर का सब कुछ फूल गया, काला हो गया, कलर आ गया इसका, और पियो टेस्ट करो कैसा है। ठीक ठाक है। ठीक ठाक। अच्छा अब हम टेस्ट करते हैं। तो गाइस हम भी टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है, थोड़ा ही करेंगे, बेकार लगा तो फिर नहीं करेंगे। बेकार है भाई मेरा, मैं तो टूट गया कसम गाइस, बेकार है पूरा बेकार यार। भाई को जो थोड़ा सा ही पानी डालेगा, लेकिन भाई इतना डालो इतना डालो। अरे यार बेकार है, कुछ भी पानी तानी कुछ भी हो यार, मैगी में कितना भी पानी डालो सूप के लिए बहुत मस्त बनता है मैगी भाई, सबसे अच्छा होता है। मैगी भी खाओ और सूप भी पियो, पैसा पैसा चुका देता है मैगी, बहुत वो अच्छा रहता है। बट ये ठीक नहीं था गाइस, आज भी मिशन फेल, ये मिशन आप बंद करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा अब सूप पे कभी भी। तो गाइस बिपाशा का सूप वाला भूत उतर गया है, और अभी एक नया भूत चढ़ गया है इसको मैगी खाने का, और फ्री का जो मैगी के साथ जो रस रहता है ना सूप ग्रेवी,
तो ये पिएगी। तो ये रहा इसके पास मैगी 3, अपना भी 2 है गाइज इसके अंदर। बनाओ अभी पासा मैगी और सूप ज्यादा बनाना, ठीक है, पानी ज्यादा देना, सूप मस्त बनेगा, मैगी वाला मस्त होता है गाइज। तो विपासा जल्दी से बनाओ सूप और मैगी वाला। नौकर लगते हैं क्या? वो बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, क्या बनाओ, ये घर साफ करो, क्या है, नौकर हो और क्या। तो गाइज बनाती है मैगी और आपको दिखाते हैं। काम कर लिया करो भैया। मैं कितना काम करता हूँ गाइज आप ही समझते होंगे। गाइज अभी अपना मैगी बनाकर ले आई है विपासा। ये रहा अपना मैगी, ये मेरा और ये विपासा का, और इसमें सूप है और हम अलग से ही सूप ले लिए गाइज फ्री वाला। तो गाइज यही अच्छा होता है, सूप मतलब सूप भी मिल जाएगा, मैगी भी खा लीजिएगा, तो मेरे लिए तो यही अच्छा होता है। और थैंक यू विपासा मैगी बनाने के लिए। ये रही विपासा और ये सूप पियो, उससे बहुत ही अच्छा लगेगा वो भी। हाँ, पता है। हाँ, ये मेरा फेवरेट है। हाँ, और मेरा भी गाइस फेवरेट है ये वाला सूप, बहुत ही मस्त लगता है मैगी का। तो गाइस खाते अपना टेस्टी गरम गरम मैगी, फिर मिलते आपसे। गाइस देखिए मीठी से छुप कर खाने के प्लान में भी पा सके से खा रही है, ऊपर देखो जैसा मैगी खा रही है गाइस चुड़ैल कहीं की। और गाइस बहुत ही मस्त लग रहा है सूप, भाई साहब दुकान के वो पैकेट वाले सूप से 1000 गुना अच्छा लगता है हमको ये वाला सूप फ्री का। और मीठी आ गई है, बिल्कुल भी अच्छा। ए पता हम दिए थे, ये चम्मच से गिरिया तो नीचे से उठा के खा ली। भाई साहब कुछ भी झूठ बोल रहे, नहीं सच्ची वैसा थी, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, मतलब नीचे जो गिर गया था वही उठाकर खा ले। मिठी तुम्हारा पोल खुल गया, रिवील हो गया मिठी का स्टाइल। हो गया हो गया हो गया, झूठ भी कुछ भी। भाई मम्मी से भी पूछ लेना, बस मम्मी से पूछ लो, जा पूछ लो। तो गाइस मैगी खाने के बाद अपना खाना भी आ गया है। खाने में है गाइस पूरी और गोभी आलू का सब्जी और चटनी भी है गाइस धनिया का और हलवा भी है। तो गाइस आज तो खाना बहुत मस्त बना है, डेली मस्त बनता है, आज दो चीज ऐड हो गया है। तो गाइस खाते हैं खाना और आज तो पेट पूरा भर जाएगा गाइस मैगी खाए, और ये तो थोड़ा भी जगह नहीं बचेगा। तो गाइस खाते हैं अपना टेस्टी खाना। तो गाइस अभी पहाड़ कर उठ गए हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा देर पढ़ने के लिए बैठ गए थे और पहाड़ कर अभी उठ चुके हैं। और विपासा गाइस हमारे और मिट्टी के लिए ड्रॉइंग बनाई है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो विपासा ड्रॉइंग दिखाओ। ये मेरा भाई है। अच्छा चलो ये मैं हूँ और दूसरा भाई, और मिट्टी का दिखाओ जल्दी से। ये पूरा, लेकिन असली वाला है ये। दिखाओ दिखाओ अच्छे से, अरे सही से रखो ना, कैसे बैठी है समझ ही नहीं आ रहा। ये ऐसे कर कर बैठी है, पहर रही है। हाँ। भाई मिट्टी मिट्टी क्या कहना चाह रही हो? यही कि ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनी है। भाई साहब, और मेरे भाई का आर्टिस्ट गिरी देख ले, देख लीजिए गाइस। और हम भी पासा के लिए बनाए थे, दिखाओ भी पासा क्या है। ये भी पासा है गाइस, देखिए मेरा आर्ट कैसा है, आर्ट बाय क्रिस। आप बताइएगा भी पासा बुक पहर रही है। सबसे अच्छा किसका था गाइस आप बताइएगा, मेरा या फिर भाई का? कमेंट कर बताइएगा सबसे फनी किसका था। और गाइज अभी सोने का वक्त हो गया है, तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज गाइज कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, जय श्री राम।